हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कला से जुड़े सभी परीक्षा में उपयोगी ये क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या, मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ उसमें भारतीय समकालीन सिरेमिक कलाकारों के बारे में है। उसमें आज मैं 5 कलाकारों को शामिल करूँगी, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। बिल्कुल कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल नए आर्टिस्ट हैं, जिसको हम कहीं बुक्स में नहीं देखते हैं। तो ऐसे आर्टिस्टों का नाम मैं लेके आऊँगी जो कि नेट जेआरएफ में कहीं भी पूछ लेता है। जैसे पिछली बार मैंने पीआर दरोज का नाम लिया था, पेपर सॉल्व कराया था, तो उसमें पूछा था कि पीआर दरोज जो हैं वो उनका जो पसंदीदा माध्यम है, जो फेवरेट मीडियम है, किस मीडियम में काम करते हैं वो समकालीन कलाकार के रूप में, तो सिरेमिक था उसका राइट आंसर। तो वैसे ही मैंने सिरेमिक के कुछ कलाकारों के नाम यहाँ पे लिए हैं, 5 कलाकारों के बारे में थोड़ा सा जानकारी और उनकी कुछ पेंटिंग्स के बारे में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होगी और ऑल ओवर इंडिया में नेट का एग्ज़ाम जो लोग जहाँ भी दे रहे हों उनके लिए, सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और कॉन्टेम्प्ररी में आर्टिस्टों की अगर बात की जाए तो UPSC हायर एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, TGT PGD में भी पूछ लेता है, RPSC में और DSSB में, सारे एग्ज़ाम्स में ये कॉन्टेम्प्ररी आर्टिस्टों के बारे में पूछता ही पूछता है। तो कुछ जो कॉन्टेम्प्ररी आर्टिस्टों के नाम होते हैं वो हमें जानने चाहिए। कॉन्टेम्प्ररी जो चल रहा है इस समय त्रिनाले बिनाले में जो आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछते हैं कि आप ये आर्टिस्टों का नाम कहाँ से लेके आते हैं। तो ये जो कलाकार हैं ये कहीं कॉन्टेम्प्ररी चीज़ें मैं पढ़ती रहती हूँ तो उसमें से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, और कुछ जो भारतीय समकालीन जो ललित कला से प्रकाशित होती है बुक उसमें से कुछ कलाकारों के बारे में मिल जाता है। तो कोई एक सोर्स नहीं है इसका कि कहाँ से मैं इसको मिलता है मुझे, ये कई जगहों पे पढ़ते पढ़ते मुझे चीज़ें मिल जाती हैं और मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और शेयर इसलिए कर देती हूँ कि आपको भी इस बारे में अगर नॉलेज हो जाएगी तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 5 भारतीय समकालीन सिरेमिक कलाकारों के बारे में, जो कि आपके सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैंने जो सबसे पहला आर्टिस्ट लिया है वो पार्थ दास गुप्ता हैं। पार्थ दास गुप्ता जो हैं वो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता से इन्होंने BA और विश्व भारती जो शांति निकेतन है वहाँ से इन्हें सिरेमिक का MFA किया था, सिरेमिक से MFA किया था। ये इनका जन्म 8 सितंबर 1966 में कोलकाता में हुआ था। ये कोलकाता के हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आर्टिस्ट पार्थ दास गुप्ता कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और ये एक कौन से आर्टिस्ट हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। इनका फेवरेट माध्यम जो है सिरेमिक है। हालांकि सारे आर्टिस्ट जिन्होंने भी सिरेमिक या मूर्तिकला में काम किया होगा उनका कहीं ना कहीं स्केच वर्क होगा, कहीं वाटर कलर होगा, पेंटिंग्स होंगी, पर एक जो लास्ट में जिस वजह से वो फेमस होते हैं ट्रिनाले में, विनाले में और नेशनल एकेडमी से उनको फेलोशिप मिलती है, तो वो एक मीडियम जो होता है वो उनका मेन मीडियम होता है। ठीक है, तो पार्थदास गुप्ता का मेन मीडियम हम बात करेंगे तो सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। कोलकाता में उनका आधार वार्षिक दुर्गा पूजा समारोह के दौरान प्रतिष्ठानों और आंतरिक डिज़ाइन के रुचि का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। मीन्स उन्होंने जो कोलकाता के होने के वजह से ये कोलकाता में जो दुर्गा पूजा वहाँ के जो समारोह होते हैं उसमें ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कहें कि उनके जो आंतरिक डिज़ाइन होते हैं वो करते हैं। उन्होंने अमेरिका कलाकारों के साथ सहयोग किया और सिरेमिक दुर्दम्य रंगमंच की सामग्री और 3D सड़क चित्रों के साथ प्रयोग किया। पार्थ बहरीन और कोरिया में कला शिविरों में गए हैं, एकल प्रदर्शनियों को आयोजित किए हैं और प्रमुख कार्य
कला कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय और ललित कला एकेडमी से उन्हें कई फेलोशिप और अनुदान प्राप्त हुए हैं और वो भारतीय जनजाति समुदाय के साथ भी काम करते हैं। तो पार्थ दास गुप्ता के बारे में हमने जान लिया, अब पार्थ दास गुप्ता की पेंटिंग्स को देख लेंगे, क्योंकि 5 कलाकार हैं तो एक एक कलाकारों की पेंटिंग्स और एक एक कलाकारों के बारे में हम देख लेंगे। जिनकी मेरे पास जितनी पेंटिंग्स मिली हुई है मैं उनको आपको शो कर दूँगी। तो अभी हम पार्थ दास गुप्ता के पेंटिंग्स को देखेंगे और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे आर्टिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीआर दरोज जैसे मैंने पढ़ाया था और आपको एग्जांपल के लिए उसको नेट का पेपर दिखाया था, किस तरीके से क्वेश्चंस आता है, ये उन्हीं के समकालीन और उन्हीं के साथ काम करने वाले कलाकार हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए, पार्थ दास गुप्ता। पार्थ दास गुप्ता की पेंटिंग्स के बारे में, सॉरी, सिरेमिक आर्ट के बारे में हम देखते हैं अभी। ये है पार्थ दास गुप्ता की पेंटिंग, इन्होंने इसका टाइटल दिया है वुड बोर्ड आयरन फिटिंग्स। ओके, 2018 में ये सिरेमिक का कार्य है पार्थ दास गुप्ता का, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं। अभी मैंने उनका जो पिक्चर दिखाया वो इसी के सामने खड़े हुए हैं। तो ये है पार्थ दास गुप्ता का पूरा सिरेमिक का काम, जिसमें वुड का भी इन्होंने काम किया हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसे ये ऐसे बनाया करते थे जो कि हम देख सकते हैं इनके काम को। कुछ सिरेमिक्स को इन्होंने पकाकर और कुछ वुड में इन्होंने पेस्ट किया है, ये मेटल वगैरह लगाकर इन्होंने पेस्ट करने का, इसमें एक इनकी अलग टेक्निक दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने दुर्गा या काली जो कहें इसका फेस है और इसको किस तरीके से दिखाने का प्रयास किया, तो ये इनका एक अलग तरीके का काम हो सकता है। आप देख सकते हैं पार्थ दास गुप्ता का वर्क। नेक्स्ट वर्क देखते हैं इनका, ये है इनका सिरेमिक वुड बोर्ड आयरन फिटिंग। इन्होंने इसमें खुद भी लिखा हुआ है कि वुड बोर्ड पे इन्होंने आयरन से फिटिंग किया हुआ है, सिरेमिक का काम है 2018 में, और इसकी साइज़ जो है वो बिल्कुल एक ब्लॉक के हिसाब से बनाया है इन्होंने। एक जैसे हम कह सकते हैं टीवी यूनिट हमारे यहाँ घर में होता है, उस तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। 183 सेंटीमीटर बाई 183 सेंटीमीटर बाई 61 सेंटीमीटर, मीन्स इस तरीके से 186 है, 186 है और ये 61 सेंटीमीटर है। तो पार्थ दास गुप्ता का ये वाला जो प्रेजेंट किया हुआ वर्क है, आप देख सकते हैं पार्थ दास गुप्ता का प्रेजेंटेड वर्क। ओके, नेक्स्ट ये है पार्थ दास गुप्ता काम करते हुए अपना सिरेमिक का। नेक्स्ट इनका इतना बड़ा सा इंस्टॉलेशन टाइप, आप टेम्पल टाइप देख सकते हैं, काम है पार्थ दास गुप्ता का, इसी को क्रिएट करते हुए भी यहाँ पर दिखाया है इन्होंने। पार्थ दास गुप्ता, इनके बारे में इन्होंने लिखा है कि माय वर्क इज इंस्पायर्ड बाय माय विजिट्स टू द अजंता एंड एलोरा केव्स, सेड पार्थ दास गुप्ता पोस्टिंग विद हिज बुद्धा हेड। उन्होंने बुद्धा हेड को पोस्ट करते हुए बताया, दिखाया, हिज वर्क इन द डिस्प्ले इंक्लूड एक्रेलिक ऑन कैनवस एंड सिरेमिक स्टोनवेयर स्कल्पचर। व्हेन वी विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस आर आईज फर्स्ट स्कैन द होल रीजन एंड देन स्टार्ट जूमिंग इन इट ऑन इंडिविजुअल आइटम्स, दैट इज हाउ आई हैव डिजाइंड माई वर्क टू, एडेड दास गुप्ता। दास गुप्ता ने कहा कि जैसे हम जाते हैं किसी भी काम को देखते हैं, पहले तो हम उसको पूरे वर्क को देखते हैं, फिर उसको उसमें हम जूमिंग का काम करना शुरू करते हैं, उसको फिर हम डिटेल में जाकर उसको पास से देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसी तरीके से मैं अपना काम करता हूँ, अपना डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पर पार्थ दास गुप्ता ने इन्होंने बुद्धा हेड को कुछ क्रिएटिव बनाकर शो करने का प्रयास किया है, ये है इनका काम। ठीक है, तो इन्होंने अपने काम के बारे में इस तरीके से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये हैं आर्टिस्ट आरती वीर, ये भी सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, ये भी सिरेमिक आर्टिस्ट, पी आर दरोज, पार्थ दास गुप्ता, आरती वीर, ये सारे के सारे जो कलाकार हैं ये सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में हैं जाने जाते हैं। आरती वीर ने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से एसएन स्कूल हैदराबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला का अध्ययन किया और गोल्ड ब्रिज पॉटरी पौदुचेरी में चीनी मिट्टी की चीज़ें बनाती थी। उन्हें चार्ल्स वॉलेस इंडिया ट्रस्ट छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था और उन्होंने मिकी श्लोसेंगन, सैंडी लॉकवुड और ग्वीन हैंस पिगोट के नाम
साथ काम किया है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ये आर्टिस्टों के साथ जो कि सिरेमिक आर्टिस्ट हैं उनके साथ इन्होंने काम किया है। आरती हैदराबाद में स्थित हैं और यहाँ पर सिरेमिक आर्ट सेंटर में वो काम करती हैं। इन्होंने फ्लाई कैम कुपिंग चीन में एक कलाकार के रूप में निवास हैं। उसने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बाली चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में भी अपना प्रदर्शन किया है। तो ये है आरती वीर अपने ही सिरेमिक आर्ट के सामने खड़ी हुई हैं। इनके भी कुछ सिरेमिक आर्ट्स को देख लेते हैं। हमने बात किया आज किन किन कलाकारों के बारे में, उनके बारे में हम आरती वीर के कुछ काम भी देख लेते हैं। ये है आरती वीर स्टडी पेंटिंग एट द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा एंड SN स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड सिरेमिक एट द गोल्डन ब्रिज पॉटरी पुदुचेरी से इन्होंने पढ़ाई की है। शी वॉज अवार्डेड द चार्ल्स वॉलेस इंडिया ट्रस्ट स्कॉलरशिप। ओके, नेक्स्ट। इनके काम कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होते हैं, एक पिलर जैसा और उसके ऊपर एक पिलर, और ऐसे इन्होंने अपने काम को डिस्प्ले किया है। और इसका जो प्रेजेंटेशन, इसका टाइटल है फायर टेराकोटा विथ स्लिप्स। इनका साइज है डोर वे, ओके, और वुड और फायर टेराकोटा है। इनकी जो साइज़ है वो 160 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर बाई 213 सेंटीमीटर डोरवे, एक डोरवे के तरीके से इन्होंने काम किया है। डोरवे इस तरीके का बनाया है इन्होंने, दो तीन ऐसे डोरवे इन्होंने बनाया है और उस पर ही इन्होंने अपनी सिरेमिक आर्ट इस पर किया हुआ है। बहुत ही सुंदर काम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है इनका। एक ईंट की तरह, ब्लॉक्स की तरह ये बनाकर, इसको पकाकर टेराकोटा में बनाकर, और उसके बाद इन्होंने उस पर एक पिकासो जैसा आप कह सकते हैं, जैसे पिकासो की डिज़ाइन होती हैं उस तरीके से ये आरती वीर काम करती हैं। ओके, इनका और काम तो नहीं मिला मुझे, यही वाला काम फिर से एक डिस्प्ले में देख सकते हैं। आरती वीर इंडिया से बिलोंग करती हैं, जो कि कैसे बाहर के एग्जीबिशन हॉल में आउटडोर एग्जीबिट किया गया है इनका वर्क। ओके, नेक्स्ट आर्टिस्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट जो हैं ये भी बहुत ही फेमस हैं, आर्टिस्ट आदिल राइट करके इनका नाम है, जो कि सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आदिल राइट जो हैं 1998 में गोल्डन ब्रिज पॉटरी पुदुचेरी में इन्होंने प्रशिक्षण लिया। आदिल राइट ने वास्तुकला का अभ्यास किया, वर्तमान में ऑरविले में मॉडल पॉटरी में भागीदारी व कार्यात्मक टेबल वेयर और अपने स्वयं के स्टूडियो सिरेमिक बनाने के बीच में संतुलन बनाते हैं। आदिल के चीनी मिट्टी के बर्तन और बड़े पैमाने पर अनफेयर्ड क्ले और एक्रेलिक पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एकल और समूह प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की गई है। 2013 में आदिल ने कुपिंग चीन में प्रस्तावित भारतीय समकालीन चीनी मिट्टी के संग्रहालय के लिए कलाकृति बनाने के लिए 18 भारतीय सिरेमिक वादियों के रहने की व्यवस्था की। हाल ही में मुंबई के पुंडोले आर्ट गैलरी में लक्ष्मण गौड़ के साथ एक शो में उनको मील का पत्थर साबित हुआ था। आदिल इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ सिरेमिक जेनेवा के सदस्य हैं। आदिल के भी कुछ वर्क्स देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर काम करते हैं ये आदिल राइटर का जो सिरेमिक वर्क है, ऐसा देख के लगेगा ही नहीं कि ये सिरेमिक का काम है। बहुत ही सुंदर वर्क है, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इनके काम में, ये देख सकते हैं हम आदिल राइटर का ये वर्क है। नेक्स्ट वर्क दिखाती हूँ मैं आपको। आदिल राइटर VR फैमिली सोडा फायर्ड स्टोन वेयर पोर्सलीन और 16 इंच हाइट है इसकी, 2019 में बनाया है। बहुत ही सुंदर है VR फैमिली करके इन्होंने इसमें फिंगर्स हैंड्स को दिखाने का, बहुत ही सुंदर है, फायर्ड वर्क है। उसके बाद इस पर इन्होंने डिज़ाइन किया है और डिज़ाइन पे भी कुछ इंस्टॉलेशन टाइप इन्होंने लिखा हुआ है, कुछ कैलियोग्राफी का भी काम इनके कामों में हम देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर वर्क है ये। नेक्स्ट ये है इनका आदिल राइटर इंडेग्रेड स्पेशियस स्टोन वेयर फूपी चाइना 2013, ये 2013 का आदिल राइटर का काम है। बहुत ही सुंदर काम है जो कि सिरेमिक स्टोन वेयर, ये है आदिल राइटर का काम जिसका हम देख सकते हैं। लव मी डू
सोडा फायर स्टोनवेयर आदिल राइटर 20x9 इंचेस 2019 का वर्क है आदिल राइटर का। इस तरीके का काम आदिल राइटर का होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वर्क है ये। नेक्स्ट वर्क ये है, बहुत ही सुंदर है। इसका टाइटल क्या है, हे राम करके इन्होंने इसका टाइटल दिया है। ये भी है सोडा फायर्ड स्टोन वेयर जो कि 2019 का है। ओके, ये भी है इनका टर्मिनेटर करके सोडा फायर स्टोन वेयर आदिल राइटर का काम है। वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं ये, एक ये त्रिनाले और विनाले में भी पार्टिसिपेशन कर चुके हैं और सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट के रूप बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कलाकार है रियाज बदारुद्दीन। ये कलाकार हैं, ये इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 2000 में सिरेमिक डिज़ाइन में स्नातक किया और 2009 में उन्होंने कार्डिक स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन यूके में सिरेमिक में एमए के काम को पूरा किया और चार्ल्स वॉलेस फेलोशिप से सम्मानित किया गया। रियाज ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शो में और कार्यशालाओं में भाग लिया। उन्होंने लातवी मार्क रेथको आर्ट सेंटर के संग्रह में हैं, चीन में UFLE अंतर्राष्ट्रीय सिरेमिक संग्रहालय और विभिन्न अन्य सार्वजनिक संग्रहालयों को इन्होंने निजी संग्रह भी दिए हैं। 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। रियाज सिरेमिक सिखाते हैं और हिमालय में कांगड़ा घाटी में इनका अपना स्टूडियो भी इन्होंने स्थापित किया है। तो रियाज बदारुद्दीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना सिरेमिक का स्नातक कार्य किया है। इनके कुछ पेंटिंग्स इनकी कुछ काम को दिखाती हूँ। यहाँ पर इनके कुछ काम डिस्प्ले भी हैं और भी एक दो काम होंगे जो कि मैं दिखा सकती हूँ। इनके ज़्यादा काम तो नहीं है पर यही वाले स्टिल लाइफ फिर से मुझे मिले हैं जो कि इस तरीके से इन्होंने काम, ये पोर्ट्रेट के टाइप में कुछ इनका काम होता है और डिस्प्ले करने का इनका एक अलग ही टेक्निक होती है जिससे कि ये इनके पोर्ट्रेट सिरेमिक बहुत ही सुंदर लगते हैं। रियाज बदारुद्दीन, आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा, रियाज बदारुद्दीन। ये इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस से अपनी कला की शिक्षा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में देखते हैं। ये हैं एक नेक्स्ट सिरेमिक आर्टिस्ट अजय कानवाल के रूप में जाने जाते हैं। ये इन्होंने जम्मू और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से संगीत और ललित कला संस्थान से जम्मू से मूर्तिकला में बीएफए किया। यहाँ पर इन्होंने वर्तमान में मूर्तिकला सिखाते भी हैं। अजय ने एमएस यूनिवर्सिटी और ललित कला एकेडमी से कई अनुदान भी जीते थे, मींस कई अवार्ड भी जीते थे। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय AIFACS IFACS जिसको बोलते हैं उसका भी इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। HRD राष्ट्रीय छात्रवृत्ति से जूनियर फेलोशिप इनको प्राप्त हुई है। अजय ने पूरे भारत में कई कला आयोगों को पूरा किया और UK US और भारत में एकल और समूह कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बड़ौदा, पुदुचेरी, जम्मू, नई दिल्ली, त्रिपुरा में शिविरों में भाग लिया। वो 2013 में इंग्लैंड के डी मोंटफोर्ट विश्वविद्यालय इंग्लैंड में कलाकार थे। अजय कानवाल, ये याद कर लीजिएगा, ये भी एक सिरेमिक आर्टिस्ट है, कॉन्टेम्परेरी सिरेमिक आर्टिस्ट है। अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इनके बारे में भी कुछ काम देख लेते हैं, कुछ रियाज बदारुद्दीन के भी काम मैं दिखा सकती हूँ। जो पॉटरी का मैंने दिखाया था उनका ये काम है, रियाज बदारुद्दीन का ये वाला काम भी है। इस तरीके का भी काम रियाज बदारुद्दीन करते हैं। पॉटरी में ही इन्होंने कुछ लैंडस्केप जैसा बनाया है। ये इनके ये लैंडस्केप के कुछ सीरीज थे जिसका नाम इन्होंने लैंडस्केप 1, 2, 3 करके ऐसे रखा हुआ था। लैंडस्केप चेंजिंग लैंडस्केप 21, ये है रियाज बदारुद्दीन का। ये है इनका काम चेंजिंग लैंडस्केप 5 जो कि रियाज बदारुद्दीन का है। ये है रियाज बदारुद्दीन जो कि ये है इनका काम एक लैंडस्केप 11, चेंजिंग लैंडस्केप 11 जो कि सिरेमिक में ही है। इन्होंने ब्लॉक ब्लॉक करके उस पर डिज़ाइन करके और उसको एक नया रूप प्रदान किया है सिरेमिक में। ये भी सिरेमिक का ही है फायर्ड, ये वेस है इनका ईवो वेस स्टोन वेयर फायर्ड एंड एनागेमा एट कोन। ठीक है, इसकी साइज ही है, ये है बॉटल स्टोन वेयर 7x17 इंचेस। ठीक है, ये है रियाज बदारुद्दीन का काम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया रियाज बदारुद्दीन। अब अजय
कानवाल का शो करती हूँ मैं कुछ पेंटिंग्स। ये है अजय कानवाल हैज़ BFA इन स्कल्पचर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू एंड ऑन MFA फ्रॉम महाराजा सयाजीराव बड़ौदा से इन्होंने किया हुआ है अजय कानवाल। इनका एक वर्क है जो कि दिखा सकती हूँ मैं, ये है इनका वर्क पोर्सलिन वेरिएबल साइज। ये एक तरह से जो फुट मैट होता है उसका इन्होंने काम दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो फुट मैट होता है रबड़ फुट मैट, इन्होंने पोर्सलिन में इसको काम किया हुआ है। ये पोर्सलिन में है, 2009 का वर्क है, वेरिएबल साइज। ये है पोर्सलिन में काम किया हुआ किसका, अजय खानवाल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए अजय खानवाल, जो कि पांचों आर्टिस्ट हमने कंप्लीट कर दिए सिरेमिक के। आपको ये वीडियो कैसी लगी? सिरेमिक में ये कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो कि आज हमारे साथ हैं, हमारे इंडिया के समकालीन कला को विकास में लाने का ये योगदान दे रहे हैं अभी भी। तो ये जो कलाकार हैं ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं और फेमस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं ऐसे ही आपको एजुकेशनल और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। आप कमेंट ज़रूर करिए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।